श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर के तत्वावधान में बुधवार को विभीषण द्वारा भगवान राम की शरणागति अंगद रावण संवाद रामेश्वर स्थापना की लीला का मंचन किया गया। मंचन में विभीषण का चरित्र एक उदात्त चरित्र है जिन्हें अन्याय प्रिय नहीं है। वे केवल स्वार्थ की पूर्ति या राज्य पाने की व्यग्रता से ही रावण का परित्याग नहीं करते। उनका प्रयत्न यही था कि रावण बुराइयों का परित्याग कर दे, जगजननी सीता माँ को लौटा दे, किंतु यह संभव न होने पर ही उन्होंने रावण के विरुद्ध खुला विद्रोह किया और भरी सभा में श्री राम के शरण में जाने की घोषणा की। उनके सहयोग से दुष्ट राक्षसों का संहार हुआ। यूं तो विभीषण का जन्म भी राक्षस जाति में हुआ था, पर श्री राम जाति को नहीं वृत्ति को महत्व देते हैं, इसलिए राक्षसी वृत्ति का संहार करने के बाद वे विभीषण जैसे साधु राक्षस को ही लंका का सिंहासन प्रदान करते हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष रेवती रमणदास, महामंत्री पुष्पदंत जैन, विकास जलान, राजीव रंजन अग्रवाल सहित अनेकों की सहभागिता रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रामलीला के कलाकारों एवं समिति के महामंत्री पुष्पदंत जैन ने कहा, मेरे इसी तरह से आओ मेरे संस्कृत बैठो। सुमति सुभगति सुभधाना। हे दशग्रीव, हे भ्राता, यदि आप सुभधारी लीला रघुसाई तजो चौथ के चंद्र किनाई ये पराई हे संत। हे भ्राता श्री, ये चारों नर्क के रास्ते है, सब जाग करें। आज जिनका भजन व ऋषि मनीषी शक्त महात्मा किया करते हैं, करें तो इससे हम सबों का कल्याण हो जाएगा। साधारण मानव समझते हैं साधारण कुमार नहीं है, अरे वो तो कालक है। हाँ, बड़े बड़े देवता पृथ्वी के उद्धार के लिए उस समय में मानव रूप में आए हैं। वह मानव नहीं, वह तो त्रिभुवन के नायक है, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। देहुनाथ प्रभु कहा बैदही भजहु राम बिनु हे तुहि सने। हे नाथ, आप मेरे कहने से अम्बा जगदम्बा प्राम्बा भगवती सीता को आप श्री रघुनाथ जी को समर्पित कर दीजिए, जो अकार सब पर असरीर करते हैं, जो हर सभी के ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे आनंद कर शरणागत स्थल भगवान के आप शरण हो जाओ। हाँ, इसमें हम सबों का कल्याण है। जा सुनाम त्रैतापन सावन स्वयं प्रभु प्रकट समुझी रावण। ऐ रावण, अरे जिनका प्रताप तीनों ताप का विनाश करता है, ताप को विमल कर देता है, नष्ट कर देता है, वो साधारण मानव नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है। आप उनका भजन करें और सीता मैया को उनके सुपुर्द कर दें, तो इससे पूरा लंका अलंकावासी हम सब सनाथ हो जाएंगे। नहीं यदि पैर बहाओगे तो अनाथ हो जाएंगे। बार बार पद लागो विनय करो दस शीश परिहर मान मोह मदो भजहु कोशलाधीश। विचार करें, आप जिनके विपरीत युद्ध करना चाहते हैं वो असाधारण अद्वितीय अतुलनीय बलवान है, आप उनका पार नहीं पाएंगे। और यदि क्रोध का त्याग करके आप उनके शरण हो गए तो उनका ये प्रण है, शत्रुदेव प्रबन्नायतासनीत चयाजते अभ्यभि सर्वभूतभ्योदनामि तद्व्रतम्। ऐसा रघुनाथ जी की घोषणा है, जो भी शरण हो जाता है उनके चरण में गिर जाता है तो रघुनाथ जी उसे अभय बना देते हैं। तैयार रख लीजिए, यदि आपका कुछ भी मुझ पर गौर।
कि तुम्हारी मृत्यु अब संकट आ गई है। सदा सठोर जियावा ऋतु कर पक्ष मूल तो ही भावा। मेरे जीवन से जीता अभी तक भूखे मर रहे, जब हमारी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर हुई तो बहकने लगा, इतना बहका कि गंधर्वों को भी बहका दिया जो तुम तुम किया करते हैं, इनको को बहका दिया, इतना मत बहक, मेरे राज में रहता है, मेरे टुकड़ों पर भोंकता है। और गाथा किसकी गाता है? उस तापस जिया से सर सर मेरे चिल्लाने से जीता है। इस संसार में कौन है जो रावण का सामना करेगा? जीवन चल रही है, इतना गुण गाथा सुना दिया, उपदेश दे दिया, बस मौन हो, एक भी लज्जा दम अब तुम्हारे मन से नहीं निकलना चाहिए। मौन हो भीषण, अंचित है दंड सहोदर को, इस समय कोई और होगा तो काट देता मैं उसके सर को। भीषण ये हठ योगी ब्राह्मण है, कुछ समय के लिए आगे सर झुकाए, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो हमेशा प्रसन्न हैं और यहाँ पर आने की चेष्टा करते हैं। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अभिनय कर रहे हैं, बल्कि अपने घर में ही अपना एक कार्यक्रम बड़े शौक के साथ कर रहे हैं। और ये सब देन अगर देखा जाए तो हमारे जैन साहब का है, इतना उत्साह जो हम लोगों के अंदर देख रहे हैं, केवल इनका ही प्रेम है जो कि अयोध्या से आकर के और श्री ठाकुर जी की लीला कर रहे हैं। जी जी, कैसा लगा? अद्भुत है, अद्वितीय है, यहाँ तो प्यार मिलता है अपना, यहाँ का प्यार अद्भुत है, अनुकरणीय है। एक परिवार का नहीं मान के ये मानिए कि हम लगता ही पैदा हुए इसी जगह पर रहे हैं और एकदम अद्भुत प्रेम लगता है, और आपके माध्यम से जो प्रेम मिला है वह विस्मरणीय है। श्री रामलीला समिति आर्यनगर द्वारा पिछले 104 वर्षों से अनवरत ये रामलीला मैदान मानसरोवर में रामलीला का मंचन चला आ रहा है। इस वर्ष जो है अयोध्या की रामलीला की पार्टी है और शिव शंकर शरण जी उसके वो मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में यह रामलीला 5 तारीख अक्टूबर से शुरू हुई है और ये 16 तारीख तक चलेगी। और इसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम जो चल रहा है वह आप लोग सामने है। इसके अलावा कल कार्यक्रम और परसों 15 तारीख को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो अपने गोरखनाथ पीठ से जुलूस के चक्कर में गाजे बाजे के साथ हर वर्ष आते हैं, और यह परिपाटी महान दिग्विजयनाथ से प्रारंभ हुई थी जो हाथी के औहदे पर बैठ करके आते थे और उसके बाद भगवान का यहाँ शंकर जी का पूजन करते थे, फिर रामलीला मैदान में आकर के भगवान श्री राम का तिलक करते थे। वही परिपाटी महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया और आज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हम सबके मुखिया हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, ऐसे यशस्वी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हम नमन करते हैं और उनके कृपा से दया से यह रामलीला मैदान जो बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में थी आज विशाल रूप बहुत सुंदर रूप धारण किया है। पर्यटन विभाग द्वारा उन्होंने इस रामलीला मैदान का सुंदरीकरण कराया है और यह मैदान अब हर लोगों के लिए देखने योग्य हो गया है। इतना विशाल मंच, इतना बड़ा मंच और सब चारों तरफ से अच्छी बाउंड्री, भव्य द्वार, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। और हम सब परसों हमारे बीच आएंगे 15 तारीख को और 4 बजे शाम को भगवान का तिलक करेंगे, उसके बाद भगवान श्री राम के चरित्र पर पूरा प्रकाश डालेंगे
आप सब जनमानस से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का दर्शन करें, भगवान श्री राम का दर्शन करें और उनके आशीर्वाद से अपने को धन्य करें। मैं एक बार पुनः आम जन मानस के प्रति भगवान श्री चार राम के चरणों में वंदन करते हुए यह आग्रह करता हूं कि आप सब 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगी, अनवरत आप सब आएँ और इसका अवलोकन करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।